दरोमत की बात करी, मगर एक शिकायत भी है, एक शिकायत भी है, यह भी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी गुजरात में कमियां नहीं है। बात तो सही है। ये कहना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। कमी क्या है? एक कार्यकर्ता ने मुझे बहुत अच्छी तरह बताया, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने, राहुल जी कहता है मुझे, राहुल जी ये कांग्रेस पार्टी में एक मुश्किल है, दो तरीके के घोड़े होते हैं, एक रेस का घोड़ा होता है, दूसरा शादी का घोड़ा होता है। ये आप कभी कभी कांग्रेस पार्टी क्या करती है, रेस के घोड़े को शादी में भेज देती है और शादी के घोड़े को रेस में लगा देती है। तो उसने कहा ये आप बंद करा दीजिए, रेस के घोड़े को आप रेस दौड़ाइए और शादी के घोड़े को आप शादी में भेजिए। तो ये हमें गुजरात में करना है। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, जो रेस का घोड़ा है, जो तैयार है दौड़ने के लिए तैयार है, उसको रेस में लगाना चाहिए, और जो हमारे शादी के घोड़े हैं, जो हैं वो हैं, उनको हमें शादी में बारात में नचा देना चाहिए। तो अब मेरा कहना है कि ये काम सीरियसली करना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम पिछले चुनाव में, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं, कि हम बीजेपी से पिछले चुनाव में नहीं लड़े थे, ठीक से नहीं लड़े थे। उससे पहले चुनाव में 2017 में हम तीन महीने कह लो, चार महीने कह लो, चार महीने तीन महीने हम लड़े और नतीजा आपने देखा, आपने देखा। गुजरात के सीनियर नेताओं ने मुझे बस में कहा, मैं बता रहा हूं आपको इनसाइड ट्रैक, मुझे बस में कहा कि राहुल जी गुजरात में हमें 40 सीटें मिलेंगी। मैंने उनसे कहा 40 नहीं, हम चुनाव जीतने जा रहे हैं, और 16 सीट से हम चुनाव हारे। अब 3 साल है, 3 महीने में हम फिनिश लाइन तक पहुंच गए थे। 3 साल में हम फिनिश लाइन को मतलब उधर पीछे छोड़ के निकल जाएंगे। मैं आपको यहां कह रहा हूं कि आप लोग गुजरात में कितने साल बाद, 30 साल हो गए, 30 साल हो गए, मैं आपको बता रहा हूं, मानो ना मानो, आप में से 50% अभी मान रहे हैं और 50% कह रहे हैं नहीं भैया नहीं होगा। जो 50% मान रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो 50% मान रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप लड़ जाओ और ये बाकी 50% बैठे हैं उनकी माइंड बदल दो, नैया पार हो जाएगी, सरकार बन जाएगी। I hope so. Okay.